तीन बच्चे आ जाओ, तीन आ जाओ, चार आ जाओ, लाइन बना लो लाइन। जैसे मान लो इन इन तीनों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तीनों को कुछ चाहिए, बरकत चाहिए, घर चाहिए, कुछ चाहिए, या शरीर में कोई प्रॉब्लम है। अब परमेश्वर ने एक तो ये प्रेर का क्या दे दिया ना, अपने को दिया ना प्रोफेटिक, कितने मेरी बात समझ रहे हैं। अब तीन ले हैंड का भी, संडे का भी आपको ये प्रोफेटिक दिया। अब मैं इन तीनों पर क्या कर रहा हूं, ले हैंड कर रहा हूं, यस, इसके जीवन में जो भी दुर्बलता हालात, मैं डांट रहा हूं, तीनों से डांट रहा हूं। मैं तो विश्वास से क्या कर रहा हूं, मैं तो तीनों को अपने विश्वास से, जो खुदा ने वचन दिया, जो मैं प्रार्थनाएं करके आया घंटों, मैं तो उसको विश्वास से कर रहा हूं। तीनों को क्या कर रहा हूं, तीनों को इसको भी उतने विश्वास से बोल रहा हूं, इसके ऊपर भी उतने विश्वास से, इसके ऊपर भी उससे विश्वास से कर रहा हूं। पर मान लो इन तीनों में एक जन, तो जो वचन आया है उसको लेकर, जो फॉर्म पर लिखा है इन्होंने, जो भी लिखवाया है, क्या लिखवाया, उसको लेकर रोज रोज धन्यवाद करें, यस परमेश्वर वचन तेरी ओर से। जब भी सुबह उठते हैं, रात को सोने से पहले, अगर दोपहर को भी टाइम लगा, धन्यवाद परमेश्वर, ये हो चुका है, ये हो चुका है, यस परमेश्वर, मेरे घुटनों की प्रॉब्लम, मेरी आंखों की प्रॉब्लम, मेरे कानों की प्रॉब्लम, यस खुदा, ये हो चुका है। अपनी प्रार्थना में ऐसे कर रही हूं, बोलो क्या कर रही हैं। मान लो दो तो कर रहे हैं, एक नहीं कर रहा, जा एक कर रहे हैं पर दो नहीं कर रहे, एक कर रहे हैं दो नहीं कर रहे, एक कर रही है दो बस अपने आराम से, आया संडे चले गए, आया संडे चले गए, नहीं भी आए कोई बात नहीं, बस ठीक है जी, हाँ ले हैंड हुई तो बस ठीक है जी, महीना दस दिन निकल गए, बस ऐसे निकल गए। एक तो एक जन तो उसकी हर आज्ञा को मान रहा है, पूरा कर रहा, क्या कर रहे हैं, एक जन तो इनसे उस सब आज्ञा को पूरा कर रहा है, टाइम से आ रहा है प्रार्थना में, 20 में हर नियम को पूरा कर रहा है, क्या कर रहे हैं, कोई पाप नहीं, बोलो क्या है, कोई इंस्टाग्राम पे वो चैटिंग चूटिंग नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, बोलो क्या है, कोई इधर उधर की चैटिंग की बातें नहीं, कोई पाप वाली कोई वीडियो नहीं, कोई ऐसे मन में कोई बुरा विचार नहीं, वो बिल्कुल पूरी तरह क्या है। अगर मान लो इसी इनके इन तीनों में से किसी के मन में वो सारे विचार चल रहे हैं, पर फॉर्म पर इन्होंने अपनी वो तकलीफ को भी लिखवाया, अपनी प्रॉब्लम को भी लिखवाया, पर अंदर कोई गलत चीज चल रही है। अब मैंने तो कर दिया ले हैंड तीनों पर उस पाप के कारण क्या परमेश्वर ने छू लेगा। मान लो इनमें से कोई भी तीन, एक को नहीं मैं कहूंगा, नहीं तो थोड़ा अजीब लगेगा ना, कोई भी मान लो इन तीनों से, तो अगर किसी के जीवन में वो संसार की चीज, पाप वाली चीज चल रही है, तो मैं तो विश्वास से कर रहा हूं, तो परमेश्वर छुएगा, हील करेगा, नहीं करेगा। अब वचन तो आया पर उसने मन नहीं फिराया, क्या नहीं फिराया, उसने मन फिराया नहीं तो वो होगा भी नहीं। उसने मन को बदला नहीं, अपने स्वभाव को नहीं बदला, अपने गुस्से वाले स्वभाव को नहीं बदला, अपनी शरीर की उन अभिलाषों को, आदतों को मारा नहीं, अपने अंदर के उस मनुष्य को क्या नहीं मारा, तो होगा भी नहीं। पर अगर मान लो एक ने तो फरा लिया पर दो नहीं, तो दो तो वैसे ही है, मैं सिर्फ दो तीन की आपको उदाहरण दे रहा हूं। अगर मान लो ये तीनों वैसा मन बना लेंगे तो फिर तीनों को करेगा परमेश्वर कि एक कोई करेगा, तीनों को करेगा ना, कितने मेरी समझ रही। इसलिए कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ लाइन में आ जाते हैं, फॉर्म लेकर प्रेयर में बैठे ना खड़े हो, कभी ऐसी नहीं प्रार्थना करते, यस खुदा मेरे लिए हो चुका है, कभी नहीं। बात देखना, मैं कई बार लेट करता हूं ना, तो बस ऐसे खड़े रहे, ऐसे नहीं कि मैं प्रार्थना करूं, धन्यवाद परमेश्वर तू छू चुका है अपने दास के, ये हो चुका मेरे लिए,
मेरे रास्ते खुल चुके हैं, यस खुदा ऐसे मैं प्रार्थना करती रहूं। ओ कुछ नहीं, ऐसे देखते रहते हैं। जाने के बाद हाँ रोज रोज प्रार्थना करें, रोज रोज प्रार्थना करें, धन्यवाद हो चुका है, हो चुका है, यस परमेश्वर जो वचन तेरी ओर से आया मेरे लिए हो चुका है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? अगर तुम हल्के में लोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर तुम दीन बन जाओगे, चलो बैठ जाओ,